मुंह जल गया। अच्छा है। अब मेरा परी बताएगा कैसा है। परी फूंक के बेटा, फूंक के। अब खाया मैंने, बोलो कैसे। खाओ जल्दी, गरम है। ऊपर का करो। परी अभी सोच ही रहा है कैसे खाऊं क्योंकि उसको बहुत गर्म लग रहा है। टेस्ट बहुत अच्छा है, शुगर भी एकदम मीडियम है। और हाउ इज द टेस्ट परी? फाइनली माय बेटा डिड इट। इतना अच्छा लग रहा है, तुम अभी तक खा रहा है, जल्दी अभी कैसा है बोलो मम्मा को। वीडियो में बोलो। अच्छा बना है, नेक्स्ट टाइम फिर से खाना है ऐसा? हाँ। बोलिए कैसा है टेस्ट, बताइए ना। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, थैंक यू बोलिए मम्मा को। थैंक यू। वेलकम बेटू। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 स्पून घी। आज मैं ये वाली सेवई बना रही हूँ, तो मैं ऐसा वाला लेके आई हूँ। अब इसको तोड़ के अब थोड़ा सा टुकड़ा करके ही डालती हूँ। सो सेवई मेरा अच्छे तरह से हल्का लाइट ब्राउन कलर से रेडिश कलर में हो गया है और बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया। अब मैं कर दूँगी फ्लेम बंद। अब इसी में मैं डाल रही हूँ दूध। आप अपने अंदाज के हिसाब से दूध ले सकते हैं जितना आपको सेवैया बनाना है। सो दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है और इसको थोड़ी देर और बॉयल होते देते हैं, उससे दूध का टेक्सचर जो है गाढ़ा हो जाएगा। और आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवैया। सो यहाँ पे मैं कस्टर्ड पाउडर भी लेकर रखी हूँ और इस कस्टर्ड पाउडर से बनाएंगे सेवैया। बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई पक्का कीजिएगा। बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है, ऐसे ही इसको बॉयल करेंगे, थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें सेमिया। रोस्ट करके रखी थी सेमिया, अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको और इसको अच्छे से चला लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना, नहीं तो इसमें गुठली बन जाएगा। और इसको अब एकदम बिल्कुल ही स्लो आंच पे पकाएंगे जब तक अच्छे से कुक ना हो जाए। सो यहाँ पे सेमिया जो है बहुत अच्छे सा, बहुत ही अच्छा इसमें बॉयल आ गया और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से पक रहा है। और जब तक ये पक रहा है जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, और वो है कि जब तक मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखी हुई हूँ, सो ड्राई फ्रूट्स को कूट लेती हूँ। मैं कूटना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि काटने में बहुत टाइम लगता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, और शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसको फिर से कर देंगे अच्छे से मिक्स। सो ये रहा काजू और पिस्ता जो मैं कूट के रखी हुई थी, इसको डाल देती हूँ। मैं ली हूँ यहाँ पे कस्टर्ड, और ये कस्टर्ड जो है वनीला फ्लेवर है। डाल रही हूँ 1 चम्मच। बहुत अच्छे से घुल गया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब मैं इसको डालूंगी सेमिया में। और हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी कस्टर्ड डालने के लिए फ्लेम हमेशा बंद होना चाहिए, गर्म में कस्टर्ड नहीं डालना चाहिए, इससे कस्टर्ड जो होता है हमेशा फट जाता है। सो आप देखिए एक भी इसमें लम्स नहीं था। सो इसको हम अच्छे से चला लिए, अब थोड़ा भी नहीं फटा। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको धीमी आंच पे 5 मिनट्स के लिए फिर से पका लेंगे, जिससे कस्टर्ड जो है पक जाए और उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सो इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। सो आप देख सकते हैं इसका इसका टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है, और मेरा बेटा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है खाने के लिए। बन
गया है मेरा कस्टर्ड सेविया। अब मैं, मेरा बेटा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं सो के उठी हूँ और रो रहा था, मम्मा मुझे सेवई खाना है तो मैं बनाई, और अभी चलते उसको देते हैं, वो बताएगा इसका टेस्ट कैसा हुआ। मेरा यहाँ बेटा यहाँ पे बहुत मस्ती में सेवई को एंजॉय कर रहा है, उसको सेवई बहुत ही पसंद आए। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं वैनिला फ्लेवर सेवई। वैनिला के जगह पे आप कस्टर्ड पाउडर में कुछ और फ्लेवर भी ले सकते हैं, मैंगो फ्लेवर, और आप लोग पक्का से अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा बना।